हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सूर्य सेठी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग्स। सो टुडेज ब्लॉग इज़ बेसिकली फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द टॉप बॉक्स व्हिच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम द सीआईडीकल स्टोर सेवक रोड। सो नाउ आई एम गोइंग आउट देयर विथ माय बाइक फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द टॉप बॉक्स। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द फुल एंड फाइनल ब्लॉग फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द टॉप बॉक्स एंड द टॉप रैक व्हिच आई हैव बॉट ऑर्डर फ्रॉम जाना। सो लेट्स चेक आउट what is going to be out there and stay tuned with me guys. Hope so you all have subscribed my channel as I am new to YouTube, so your support is very crucial for me. So hope so you like this video. Stay tuned guys and let's get out there to the CIDical store. So abhi main Sevak Road ke CIDical store mein hu. Ye raha mera bike. Ye iska top rack hai. Iska build quality sabse badhiya wala. Bhaiya dhoond ke leke aaye. अभी इसका टॉप रैक इंस्टॉल हो गया है इसके साथ, और एक चीज़ है इसके साथ, यहाँ पे आपका बैक रेस्ट भी आ जाएगा। बाइक मेरा पूरा टूरिंग के लिए रेडी हो रहा है। सो गाइस, वक्त आ गया है टॉप बॉक्स। वाओ, इसका ग्राफिक्स डिजाइन देखिए। इसका सबसे अच्छा फीचर ये लगा कि नीचे की तरफ भी इसका सेफ्टी लॉक दिया हुआ है, इसके कारण अगर कोई चोरी करने का कोशिश करेगा या पूरा बॉक्स निकालने का कोशिश करेगा तो भी वो सक्सेसफुल रहेगा। तो गाइस, हो गया है मेरा टॉप बॉक्स इंस्टॉल्ड। इसको थोड़ा सा नीचे से नॉट्स टाइट करना बाकी है, बाकी एज यू कैन सी द बॉक्स द बाइक। सो गाइस, टॉप बॉक्स तो मेरा इंस्टॉल हो गया था, लेकिन अभी उसका स्टेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो स्टेबिलिटी के लिए अभी मैं ये रॉड ले रहा हूँ। तो मैंने स्क्रैप शॉप था उससे मैं थोड़ा ले रखा है उसको, अभी इसको हम करेंगे उसमें इंस्टॉल, वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसका स्टेबिलिटी चेक। थोड़ा सा हाँ, लुक्स थोड़ा हैम्पर करेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट मैटर करता है ना, क्योंकि अब मैं राइड पर जा रहा हूँ, जब लद्दाख करूँगा तो फाड़ दूँगा मैं, इतना वाइब्रेशंस रहेगा तो उससे मेरा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है ना, मतलब अगर टूट के गिर गया गलती से इतना महंगा टॉप बॉक्स तो फिर मोटा खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ये सस्ता जुगाड़ से अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। गाइस, जो मैंने दो रॉड लेके आया था स्क्रैप शॉप से उसको मैं अभी वेल्डिंग करा रहा हूँ, अभी काम तो चल रहा है, लेकिन जो ये इसमें ये वाइट वाइट दिख रहा है जो लोहे का रंग, इसको छुपाने के लिए भी मैंने इसमें एक अच्छा सा जुगाड़ लगाया है, क्योंकि जो ये रंग आपको दिख रहा है ये रस्टिंग के कारण अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका जुगाड़ है ये एल्जोल का स्प्रे पेंट। सो ये स्प्रे पेंट लगाने के बाद जो इसमें लुक्स वापस आएगा वो जैसे थे हो जाएगा, क्योंकि ये मैटी कलर में और मेरा मैट ब्लैक बाइक है। तो सो गाइज, अभी बाइक का वॉश चल रहा है और जो स्प्रे पेंट था वो मैंने उस रॉड पर भी मार दिया है और अभी लुक वापस आ गया है। अभी इसमें फोम वॉश करा लिया और फोम वॉश कराने के बाद जो लुक्स वापस आएगा ना गाइस, जब इसमें टॉप बॉक्स लगा दूंगा वो लुक्स कसम से लाजवाब लगेगा, तो जस्ट वेट फॉर द लुक। और ये लुक जो है वो वापस आ गया है विद टॉप बॉक्स आपके सामने। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बोलिए कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये आपको कैसा लगा और ये वीडियो भी कैसा लगा। ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियोज़ मिलाते रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।